नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से नेता या यूं कहें विवादित नेता नरेश अग्रवाल की। नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का दामन थामते ही उन्होंने अपनी विवादित छवि जो है उनकी उसे बरकरार रखा है। दरअसल उन्होंने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से उनका टिकट एक नाचने वाली की वजह से काटा है और उन्होंने दरअसल ये बयान उन्होंने जया बच्चन को लेकर दिया, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और कलाकारों का सम्मान करती है, लेकिन जो भाजपा की महिला नेता हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो या फिर रूपा गांगुली, उन्होंने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान बीजेपी करती है तो वो नरेश अग्रवाल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। हालांकि पूरे मामले के बाद नरेश अग्रवाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं।